हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीपीएस क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीएससी बीईओ एग्जाम के बारे में। तो क्या है पूरी न्यूज, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। अगर आप वीडियो को कहीं से भी स्किप करते हैं तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, तब आप बोलेंगे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। क्या है आप लोगों के लिए न्यूज, आज सारा कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी आपकी बीईओ परीक्षा के बारे में कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो तो वो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि परीक्षा शुरू होने के बाद भी मिलेगा प्रवेश, ठीक है। जब आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी उसके बाद आपको प्रवेश मिलेगा। क्या है आपको पूरी न्यूज़ हम बता रहे हैं। बीईओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए यूपीपीएससी ने 15 मिनट देर से पहुंचने की छूट दी। जैसा कि आप लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है कि बीईओ प्रारंभिक परीक्षा जो है उसके लिए यूपीपीएससी ने 15 मिनट देर से पहुंचने की छूट दे दी है। तो क्या है आपको न्यूज़ हम बता देते हैं। 309 पदों पर भर्ती के लिए 16 अगस्त को 18 जिलों में होगी परीक्षा। खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट बाद तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। मतलब अगर आपकी एग्जाम टाइम हो गए उसके बाद भी आपको 15 मिनट तक टाइम मिलेगा जाने के लिए। परीक्षा 16 अगस्त को प्रदेश के 18 जिलों में आयोजित की जानी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को परीक्षा से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो जैसा कि कल आप लोगों के लिए यूपीपीएससी ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसी में आपको 15 मिनट की छूट दी गई है। बीईओ के 309 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 16 अगस्त को प्रस्तावित है। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अभ्यर्थी लगातार परीक्षा टालने की मांग कर रहे थे, लेकिन 9 अगस्त को बीएड प्रवेश परीक्षा के सफल आयोजन के बाद आयोग ने परीक्षा को लेकर अंतिम दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मतलब आपकी बीएड परीक्षा हो जाने की वजह से आप लोगों के एग्जाम जरूर होंगे, और अगर नहीं भी होंगे या कोई भी इसमें लिखा गया है आपको साफ दिख रहा होगा कि अंतिम दिशा निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा 16 अगस्त को 15 जिलों में आयोजित की जाएगी। इनमें प्रयागराज समेत आगरा, आजमगढ़, बरेली और गोरखपुर, अयोध्या, गाजियाबाद, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, बाराबंकी, मेरठ, मुरादाबाद, रायबरेली, सीतापुर, वाराणसी एवं मथुरा शामिल हैं। तो इन जिलों में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा आपकी दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में 1 घंटे पूर्व यानी सुबह 11 बजे से प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही साथ प्रारंभ होने के परीक्षा आपके उसके पश्चात विलंबता 15 मिनट यानी दोपहर 12:15 बजे तक अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। ये यूपीपीएससी ने अपने अंतिम दिशा निर्देश में कहा है। यूपीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में सैनिटाइजर एवं फेस मास्क लेकर आना अनिवार्य है। तो आप सभी बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अगर आप एग्जाम देने जा रहे होंगे तो आपको सैनिटाइजर अपना खुद का और फेस मास्क लेकर जाना है, ठीक है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को अपने पीने के लिए पानी की बोतल भी साथ रखनी होगी। तो जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा कि यहाँ पे अंतिम दिशा निर्देश यूपीपीएससी ने जारी कर दिया है और बीएड क्या उन्होंने सफलतापूर्वक करा ली है, इसलिए वो यूपीपीएससी बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी तैयारी कर लीजिए। कोई फेर बदल करते हैं न्यूज़ में तो आपको सारा कुछ बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जो भी न्यूज़ होगी आप तक तुरंत मिलेगी सबसे पहले और 100% सटीक न्यूज़। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत